बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट, आई होप सो यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू क्लास टू। टुडे आवर साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर। ओपन पेज नंबर 52, यूनिट नंबर 9, हीट। और नाउ हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 53 से। हीट, हीट गिव, फायर गिव अस हीट। वी कैन फील द हीट कमिंग फ्रॉम अ फायर। On our face and hand, heat make us feel warm. We feel warm when we are close to the source of heat. We do not feel so warm when we are further away from the source of heat. इसमें ये कह रहे हैं कि fire give us heat. आग जो होती है वो हमें heat देती है. We can feel heat come from a fire on our face and hand. हम जब उसके करीब बैठते हैं तो हम अपने हाथ पे, अपने फेस पर heat जो है वो महसूस कर रहे होते हैं और अपने आप को गर्म महसूस कर रहे होते हैं. Heat हमें गर्म कर देती है. We do not feel the heat if there is an object between us and source of heat. We sit under a tree to protect ourselves from the heat of the sun. इसमें ये कह रहे हैं कि जब हमें हीट नहीं मिलती तो हमारे और उसके दरमियान कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से हम तक हीट नहीं पहुंच सकती है. और उस वक्त कह रहे हैं कि वी सिट अंडर अ ट्री टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. हम जब किसी दरख्त के नीचे बैठते हैं तो हम सूरज की तपश से अपने आप को बचा लेते हैं क्योंकि उसका जो शेडो होता है, उसका जो साया होता है वो ठंडा होता है. हम इस चैप्टर की रीडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 54 पर बताया गया है कि यूजेज ऑफ हीट. हीट क्या है? हीट एक काइंड ऑफ एनर्जी है जो कि हमें जब हम अपने हाथों को आपस में रब करते हैं उससे भी हमें प्रोड्यूस होती है हीट. इसमें इसकी कुछ एग्जांपल भी इन्होंने दी हुई हैं. बर्निंग कोयल इन अ स्टीम इंजन हेल्प द इंजन टू मूव. अ हॉट आयरन हेल्प अस टू आयरन क्लॉथ्स. फायर हेल्प्स अस टू कुक फूड. उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जब ठंड होती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? ताकि हम अपने आप को गर्म रख सकें. इसी तरीके से पेज नंबर 55 पे उन्होंने हमें बताया कि एनिमल हैव हेयर और फर टू देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म. देन उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में बताया हुआ है. गुड कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर से हीट पास हो जाती है ईजीली, गुजर जाती है ईजीली. और पुअर कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते. देन इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे. ये इस चैप्टर की रीडिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं. देन इसके बाद यूनिट नंबर 9, हीट में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड है. फर्स्ट हमारे पास है हीट, एच ई ए टी हीट. सेकंड है चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन. थर्ड है शेड, एस एच ए डी ई. नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी, ई एन ई आर जी वाई एनर्जी. फिफ्थ है हमारे पास प्रोड्यूस्ड, पी आर ओ डी यू सी ई डी प्रोड्यूस्ड. सिक्स है हमारे पास कंडक्टर्स, सी ओ एन डी यू सी टी ओ आर एस कंडक्टर्स. सिक्स सेवन है हमारे पास इंजन, ई एन जी आई एन ई इंजन. एट है हमारे पास टुगेदर, टी ओ जी ई टी एच ई आर. नाइन है हमारे पास मटेरियल्स, एम ए टी ई आर आई ए एल एस मटेरियल्स. एंड टेन है हमारे पास मेटल्स, एम ई टी ए एल एस मेटल्स. देन उसके बाद हमारे पास मिसिंग लेटर्स हैं. मिसिंग लेटर में फर्स्ट है हमारे पास आई आर ओ एन आयरन, आई आर ओ एन आयरन. उसके बाद है हमारे पास हीट, एच ई ए टी हीट, एच ई ए टी हीट. नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉथ, सी एल ओ टी एच ई एस क्लॉथ. मिसिंग लेटर जो होंगे वो ई और टी होंगे, ओ और टी होंगे, और हीट में ई होगा. फोर्थ है हमारे पास यू एन डी ई आर अंडर, यू एन डी ई आर अंडर. फिफ्थ है हमारे पास जी आई वी ई एस गिव्स, जी आई वी ई एस गिव्स. देन उसके बाद हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के स्टार्ट है. फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज हीट. हीट क्या है? हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. सेकंड है हमारे पास वेयर डज हीट एनर्जी कम फ्रॉम. वेयर डज हीट एनर्जी कम फ्रॉम.
हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम बर्निंग वुड पेपर एंड अदर फ्यूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू एनिमल हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज. एनिमल हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मेटल्स थ्रू विच हीट कैन पास इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर दी सॉलिड थ्रू विच हीट कैन नॉट पास कॉल्ड. सॉलिड्स थ्रू विच हीट कैन नॉट पास आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स. यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं. ओपन पेज नंबर 56. क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है हमारे पास, फायर गिव्स अस डैश. फायर गिव्स अस हीट, एच ई ए टी हीट. सेकंड है, हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. हीट इज़ अ काइंड ऑफ डैश. हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, ई एन ई आर जी वाई, एनर्जी. सी है हमारे पास, हीट कैन डू डैश. हीट कैन डू वर्क. हीट कैन डू वर्क. फोर्थ है, हीट एनर्जी कम फ्रॉम डैश वुड पेपर एंड अदर फ्यूल. हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम बर्निंग, बी यू आर एन आई एन जी, बर्निंग वुड पेपर एंड अदर फ्यूल्स. लास्ट वन है, मेटल्स थ्रू विच हीट कैन पास आर कॉल्ड डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जी डब्लो डी, गुड. सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, डिफ़िकल्ट वर्ड और मिसिंग लेटर कंप्लीट हो गए हैं. आई होप सो आपको समझ आ गई होगी. आपने ये सारा काम अपनी नोटबुक के ऊपर साफ सुथरा करना है, और जो काम आपको दिया जा रहा है उसे रेगुलर अपनी नोटबुक के ऊपर अटैम्प्ट करें, क्योंकि इसके 50% मार्क्स आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड होंगे. सो रेगुलर बेस पर काम करें और साफ सुथरा और अच्छे तरीके से काम करें. कुछ भी अगर कन्फ्यूजन है तो इन लेक्चर्स को देखकर अपनी मिस्टेक्स वगैरह दूर कर लें. क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, डिफ़िकल्ट वर्ड और मिसिंग लेटर आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं. मार्जिन लाइन ड्रॉ करके करेक्शन कॉलम बनाने के बाद आपने ये लिखना स्टार्ट करना है. कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है. आई होप सो आपको समझ आ गई होगी. सो बेस्ट ऑफ लक टू योर स्टूडेंट. अल्लाह हाफिज़.